उसके बाद में बारह साल में तीन रोज मेरे वादे में बाकी बचे हैं, परंतु ये पापी आएगा और ये मेरा धर्म जरूर टिकाएगा। मैं अपना धर्म कैसे बचाऊं, परंतु आज इस तख्ती को डालती हूं, जरूर कोई मेरी सुनेगा। अदली के कैद में है राजपूतों की सुमन श्री करता नदी किनारे बगला बैठा मैंने जानी ये तो
पर 20 रुपए स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए बार बार धन्यवाद भगवान ने खुश रखे।
ये 20 रुपए का प्रसाद दे कर गए, कहते हमारी एक छाप लग जाए। और किस तरह से छाप क्या है भैया, विपत पर मैं अपने यार कोई जाचे, वो तख्ती बहती हुई कहां पर पहुंचती है, यहां पर जानी चोर न सुल्तान, मुरलीधर बंजारे सभी थे, उसी पार पे जाके लग जाती है। इधर मेरा यार मुझसे आधा घंटे का वादा करके बियाबान में घूमने गया था, वो लौट के वापिस अभी तक नहीं आया। वो कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, वो एरा फेरी से कभी नहीं जाता है, इसे कहां ढूंढे, कहां इसका पता लगाए, कोई पता नहीं। चलो देखते थोड़ी देर, बताता ही हो। अरे मैंने क्या भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। कैसे बड़बड़ा रहे हो, क्या बात है यार, तुमने कमाल कर दिया, पूरी रात यहाँ घूमने फिरने में निकाल दी। अरे इधर बहन के यहाँ में भात भरना है, तुम घूमने फिरने में लग रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारा काम है टाके चली करना, अमीरों की कमाई से गरीबों का भला करना। अरे जो सामने आया भाव मिटा के छोड़ा, ये चला दिया झुलस दिया खाक बना के छोड़ा। चलो यार बहन का भात भरेंगे नरबर में। भैया बहन के यहाँ तो भात भरने चल रहे हैं, लेकिन देखो ये अबू नदी। हाँ अबू नदी है, ये अबू नदी बह रही है, बह रही है। इसमें नहा दो करके जब बहन के यहाँ भात भरने चलेंगी। भैया नहाने की इच्छा करती है, मेरी नहाने को इच्छा कर रही है। तो इधर देख लिया नदी पे घाट में कितना चले, मैं इधर जा करके देखता हूँ। चलो तुम इधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। प्यारे मेहरबानो, जब जाली चोर नदी के पार पे चलता है, अचानक वो तख्ती बहती आ जाती है जो मेघदे ने लिख के डाली थी। सोचने लगता है यार ये क्या चीज बह के जा रही है, मुझे इसे पकड़ना चाहिए। लिखा हुआ है मैं राजा ब्रजभान की लड़की, मेरे पिता को अदली पठान ने जहर दे के मार दिया है, आज तक ऐसा कोई हिंदू जाया नहीं जो आकर के इस पापी पठान से मेरा ईमान बचाए। इसमें लिखा हुआ है कीचकगढ़ का रहने वाला नरसुल्तान अगर दुनिया में जिंदा है तो आकर के इस पापी से मेरा ईमान बचाए। और इसमें फोटो लगा हुआ है रानी महक दे। अरे जिस लड़की का ये फोटो है इसके ऊपर तो मेरा यार अपनी जान नो सबर करने के लिए फिरता है। जानी अगर ये तकदीर तेरे यार ने देख ली तो ये बहन का भात भरना भूल जाएगा,
तुझे इस लड़की के धर्म बचाने के चक्कर में डाल देगा। इससे मुझे तख्ती धक्का लेनी चाहिए, कहीं मेरा यार मुझे देख नहीं ले। ए भैया देखो नहाने की जगह इधर बढ़िया है, पानी भी थोड़ा है, सभी लोग इधर ही नारे आइए। यार जब से मैंने नदी में पैर टेका है क्या हुआ यार, जाड़े से बुखार आ गया। ए? जाड़े से बुखार, दिखाइए हाथ में देखू। यार तेरी नब्ज तो बिल्कुल सही चल रही है, खुट खुट ना कर रहा है। अरे यार जब तू जिंदा खड़ा है तो भाई नब्ज तो खुट खुट करेगी, जब मर जाएगा तो नब्ज खुद ही बंद हो जाएगा। मेरे दोस्त हमें ये नहीं मालूम कि जिंदों की करती है मरो की करती है, चलो यार बहन का भात भरेंगे नरबर में। तुम तो सिवा चोरी डकैती करना यही जानते हो और कुछ भी नहीं जानते। क्या करना चाहिए? अरे यार नहाने का काम सबसे बढ़िया शुभ काम होता है। नहाने का? जी हाँ। तुम बावले हो गए हो। क्यों भैया? नहावे धोवे चूतिया, अरे नहावे धोवे चूतिया रे भजन करे भाई बहन, ये तिलक लगावे चुलप रखावे ये गुंडर की पहचान। हम रोज के नहाने वाले, तिलक लगाने वाले, हम गुंडा हैं, तुम दुनिया की चोरी डकैती करने वाले तो कोई ये भले आदमी तो बकवास कर रहा है यार, तू कहाँ रहता है? तुझे मालूम है मैं कहाँ रहता हूँ? कहाँ रहता है? मैं हरिहर बाबा के बंद पर रहता हूँ, रोज गंगा नहाता हूँ, हरि भगवान का भजन करता हूँ, ये माला फेरता हूँ। तुझ जैसे नहीं तो हरि भगवान के बंदे का सत्यानाश कर दिया। हम जैसे तो कैसे कर दिया? तुम जैसे तिलकधारी वहाँ पहुँच जाते हैं, दो चार दिन रुकते हैं, जब माल इकट्ठा हो जाता है तो क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? सीताराम सटक गए और लुटिया डोर पटक गए, चार बजे ही पांच फुट रहते जाते। ये पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है यार, भैर का भात भरेंगे। तुम्हारा दिल नहाने को नहीं चाह रहा? नहीं करता यार, कमाल की बात है, तुम्हारा दिल नहाने को नहीं चाह रहा तो किसी धर्म के लिए तुम मानते हो या नहीं मानते? ओ यार तेरे कहने का मतलब है तू हिंदू होते हुए किसी धर्म को मानता है? हाँ हिंदू होते हुए किसी धर्म को तो मानना ही चाहिए। हाँ मेरा दोस्त, मैं एक धर्म मानता हूँ। कौन सा धर्म है? मैं मानता हूँ जो चार मूर्ति तेरे सामने बैठी हुई है, मानव जाति बोलता पुरुष। हाँ सभी लोग बैठे हुए, इन्हीं के बीच इंसान पैदा होता है और इन्हीं के बीच नापैदा हो जाता है। दोस्त मैं इनके लिए मानता हूँ। ये मानते हो सबसे बड़ी जो होती है ये मानव पूजा होती है, इन्हें मानते हो? तो चल यार छोड़, मैं भी यार से मानव पूजा मानता हूँ। मैं पहले सबके हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ इस तरह से, जब इन्हें मानते हो तो आप भी करिए और मैं भी करता हूँ सभी के जाने। मैं इनके लिए हाथ जोड़ के नमस्कार करूँ? जी हाँ। एक हाथ से ना कर लूँ भाई? एक हाथ ना टूट गया क्या हुआ? एक हाथ से का कोई महत्व तो नहीं होता है। एक हाथ से कोई महत्व तो नहीं होता है? अच्छा दोनों हाथों से इस तरह हट लिया जरा। मैं अपने यार को चला रहा हूँ परंतु ये नहीं मानता है, अगर तू नहीं मानता है तो ये ले ये चार मूर्ति जो तेरे सामने बैठी है, मैं इनके लिए राम राम करता हूँ। राम राम साहब। देखा आपने, इस तख्ती छिपाने के लिए दुनिया का ड्रम ठहरो। ये क्या कर दिया? एक तरफ का लिखा हुआ बिल्कुल ही मिटा दिया। क्या इसमें कुछ लिखा हुआ है? हाँ इसमें लिख रहा है, सुनो मैं बताता हूँ। क्या लिख रहा है भैया? इसमें लिख रहा है कि आदिलीगढ़ शहर में मैं एक हिंदू की बेटी पठानों की जेल में बंद हूँ, मेरे माता पिता को जहर देकर के मार दिया, मेरा राजताज छीन करके छत्यारे ने अपना काबू कर लिया। क्या दुनिया में कोई ऐसा हिंदू जाया नहीं जो इस पठान से इस मुसलमान से मेरा ईमान बचा दे, तो मैं उसी हिंदू के साथ में अपनी शादी रचा लूंगी। अरे लानत है, ये लानत है जमाने के हिंदुओं, एक हिंदुओं की बहन बेटी मुसलमानों की जेल में तड़पती है। क्या कोई माई का लाल ऐसा पैदा ना हुआ उस लड़की का ईमान बचाने वाला हो? तू मरे पराए रूपे, तू मरे पराए रूपे, तेरी हुई रूप मत भंगे। अरे मूरख तेरा रूप ये जाए ना तेरे मातृहस रूप को, मातृहस रूप को मूरख ना छाप ना जाने इस रूप पे कल उपजेगी घास। भैया ईट कहाँ का रोड़ा भागवती दे कुलवा जोड़ा, अबे किसकी महक दे किसके कब्जे में, बे तू क्यों चक्कर में पड़ रहा है, चल यार बहन मारू का भात भरेंगे। मेरे यार मैं भी इस बात की कसम खाता हूँ, बहन के यहाँ भात भरने बाद में जाऊंगा, पहले लड़की महक दे का मैं ईमान बचाऊंगा। क्या ईमान तू बचाएगा? क्या दुनिया में कोई ऐसा हिंदू नहीं? तुझे मालूम होना चाहिए पहले नंबर तो
वहाँ कोई हिंदू पहुँचता नहीं। अच्छा। और अगर पहुँच भी जाता है तो वो पठान कटवा के जमीन तले गड़वा देता है। मेरे दोस्त, अगर तू सतलीगढ़ में जाएगा तो मारा जाएगा, बच नहीं सकता है। मैं मारा जाऊंगा? मारा जाएगा। तो ठीक है, मैं धर्म पर मरूं तो ये परम पद मिले, जन्म लूंगा दोबारा, मैं जन्म ही नहीं, और मारा जाऊं तो कोई ये अंदेशा नहीं, कोई दुनिया में रहता अमर ही नहीं। कुछ भी होता, अरे ये चीज को छोड़ दे, जरा सुन मेरी बात करिए। चले तो तेरा जन्म खुआर हो मेरा, ये महक दे तेरी सेवा अरे करेगी नहीं, ये हो रहा जिसके ऊपर तू पलहार हो, ये नहीं हो, ये महक दे तेरी सेवा नहीं करेगी यार, कुछ भी हो जाए। भाई साहब, मैं भी हिंदू और हिंदू की औलाद हूँ, हमसे देखा ये जाता तरस ही नहीं। अच्छा, और वो तड़पती महक दे परी जेल में, कोई दुनिया में उसका सहारा नहीं, वो तड़पती महक दे कोई सहारा नहीं है। बड़े बड़े टॉपर टॉपर बदमाश और ना आया फिर। मेरे दोस्त, बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉपर टॉपर नामी नामी बदमाश वो सतलीगढ़ में पहुंच गए, परंतु उन पठानों ने लौट के जिंदा नहीं आने दिया, वापस नहीं आने दिया। मेरा तुझसे कहना है, कोई वापस और ना आया फिर। अरे जल्दी ये नर पर चलो भात, अरे चल के भरे यार, फैल कर हाथ रह गए, नहीं होगा नहीं होगा, ये जल्दी नर पर चलो भात, चल के भरे ये कहना मानो बिरले, कहना मानो बिरले, जल्दी अरे नर पर चलो ये भात, अरे चल के भरे। और तीन दिन का ये वादा, अच्छा भाई साहब, तीन दिन का ये वादा इसमें बाकी रहा, और तीन दिन बाद दुष्ट आकर के पापी और बिगाड़े धर्म, और हिंदुओं की सब इज्जत मिले खाक में, हिंदुओं की इज्जत में खाक मिल जाएगी। जा सकता है, अपने कोई बस की बात नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ तू डर गया, तू इसलिए डर गया कि मैं अदरीगढ़ शहर को जाऊंगा तो मुसलमानों के हाथों से मैं मारा जाऊंगा। ठीक है, तुम शौक से अपनी जान बचाओ, लौट के वापिस तुम अपनी चोर गली चले जाओ, मैं मारा जाऊं चाहे मैं जिंदा रहूं, उस लड़की का धर्म बचाऊंगा, और आज से मेरी तुम्हारी यारी खत्म है। तेरे कहने का मतलब है या तो मैं उस लड़की का ईमान बचाऊं, जी हाँ, नहीं आज से मेरी तेरी यारी खत्म, बिल्कुल खत्म। और तूने मुझे कैसा यार समझ रखा है? तुम्हारे लिए जैसे कि आजकल के यार हैं धोखेबाज, दगाबाज, दारूबाज, उनमें से ही आप हैं। तेरे कहने में जरा भी शक नहीं है,
क्यों? थोड़े दिन में बहुत दूर तक, थोड़े दिन में बहुत दूर तक हमने भूत जमाना देखा। या ऊपर से तो मीठे बोले फिर नस नस में बेईमान आते। और आजकल के यार कौन से घर में यारी करते हैं? कौन से घर में यारी करते हैं? जिस घर में हमारी बहन बेटी सुंदर होती है। हाँ। आजकल साले पत्नी जला उसी हाँ। घर में यारी जोड़ते हैं क्या? जिसके घर में सुंदर नारी वहां से प्रीत करे दो चारी, अरे मतलब की देखी यारी फिर चिलम भरने का बहाना देखा। और मैं यार कैसा हूँ? कैसे हो भैया? यारी करते देर लगे ना मुश्किल पड़े निभानी।